हेलो गाइस, माय सर मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। बिहार में MBBS के एडमिशन के लिए अगर प्राइवेट कॉलेजेस का बात करें तो जो आपके सामने दिख रहा है नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम, इसका बड़ा नाम आता है क्योंकि ये एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है बिहार का। सही सुन रहे हो मेरे दोस्त? और बिहार में यहाँ पे दिख रहा है अमित शाह, मतलब पूरा इन्फ्लुएंस लग रहा है कॉलेज, समझ रहे होंगे जी। तो अगर बिहार में MBBS में एडमिशन का बात करें तो बिहार एक ओपन स्टेट है, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट बिहार में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे नारायण मेडिकल कॉलेज के बारे में, NMCH जी, नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जी। सही सुन रहे हो, MCI अप्रूव्ड है। A to Z बात करेंगे कि कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा इसका कटअप जाता है, फीस क्या पे करना है और ये क्या कॉलेज मुझे लेना चाहिए कि नहीं। चाहे आप बिहार से हो, UP से हो, राजस्थान से हो या महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, क्या ये कॉलेज आपके लिए सही है कि नहीं, ये भी बात करेंगे। तो आप हमारे साथ पूरा बने रहेंगे और पूरा डीप में कि इसका पेशेंट फ्लो कैसा है, क्या ऐसे ही नाम है रिकॉग्नाइज्ड है, A to Z बात करेंगे पूरा डिटेल में। आप हमारे साथ बने रहेंगे मेरे दोस्त, सही सुन रहे हो। अगर हम लोग कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट का बात करेंगे तो 2008 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। यहीं पर मैं बता दूं, ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है NMC के द्वारा जी, NMC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या हो गया कि इसके पास PG सीट भी अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट सीट भी अवेलेबल है, प्लस अब बार बार ये NMC के पास नहीं जाएगा कि मुझे ना अप्रूवल दे दीजिए, नहीं, ये काम अच्छा कर रहा है तो इनको अप्रूवल मिल चुका है। प्लस में अगर यहाँ से बच्चे पढ़ाई करोगे आप, तो आप किसी भी अदर स्टेट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना मतलब आगे का जो होता है दवाई, आपका क्लिनिक खोलना, ये सब काम कर सकते हो। बिहार में पढ़ोगे, महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र में जाके कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है, इतना है रिकॉग्नाइज्ड होने का फायदा। चलो, ये प्राइवेट कॉलेज है, ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट के अंदर में ही चलता है, क्योंकि इतना पैसा का आदान प्रदान कैसे होगा, तो ट्रस्ट के थ्रू होता है, ठीक है मेरे दोस्त। और अफिलेटेड टू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जी, और सासाराम बिहार में है ये। पटना से अगर हम लोग बात कर लें तो लगभग 5 to 6 hours का समय लग जाता है आपको जाने में, 5 hours का जी। और लोकेशन बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्टेट से आप यहाँ पे रह सकते हैं। फैसिलिटीज A to Z है। ये यूनिवर्सिटी पूरा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बन चुका है, तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, फार्मेसी के, एग्रीकल्चर के, BTech के, जो कह लो, मैनेजमेंट के, लॉ के, जो कह लो, सारे कोर्सेज होते हैं। और मेडिकल का एक इसका बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है, हम आगे बात करेंगे। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, लाइब्रेरी, 24 hour हेल्प, ब्लड बैंक है, इमरजेंसी कैफेटेरिया, कम्युनिटी ICU, डायग्नोस्टिक, OPD, इंडोर सर्विसेज, A to Z चीज यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मेरे दोस्त हम बात करेंगे तो आ जाता है MBBS, 150 सीट इसके पास अवेलेबल है। और ये कोर्स जो होता है वो होता है 5.5 साल का, 4.5 साल का आपका पढ़ाई होगा, 1 year का इंटर्नशिप होगा। ये इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, ये अपने मन से आप कहीं भी इंटर्नशिप कर सकते हो जी, अलाउ है। और MDMS का जो सीट है वो 70 है, यहाँ पे MDMS का जो सीट है वो 70 है टोटल, जैसे कि मैंने बताया रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होने के कारण। देख रहे हो मेरे दोस्त, अगर हम लोग हॉस्पिटल का बात करें, ये है जहां पे पेशेंट्स आ रहे हैं, मरीज आ जा रहे हैं। 1200 बेडेड हॉस्पिटल है जी, ये 12 कैंपस हो गया 1200 बेडेड हॉस्पिटल का। और लोकेशन जमुआर हो गया है ना, जमुआर सासाराम बोल लो, सही है ना। अगर हम लोग OPD का बात कर ले कि रोज का कितना पेशेंट आते हैं, तो 1000 से 1100 पेशेंट, ये बहुत सही हुआ मेरे दोस्त, 1100 पेशेंट आ रहे हैं। आप सिर्फ 5 पेशेंट से मिल लोगे तो आपका काम हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो 1100 पेशेंट आ रहे हैं डेली यहाँ पे, और 80% के रेंज में वेड का ऑक्युपेंसी है, मतलब पेशेंट रहते हैं। यही सब ध्यान देना है आपको एडमिशन में मेरे दोस्त, तब जाके सही कॉलेज मिलेगा। एकदम बने रहो, हम आगे बताएंगे आपको कि फीस कितना देना है, कटअप क्या रहे, पूरा वीडियो देखोगे आप लोग। हॉस्टल देख रहे हो, यहाँ पे एक अच्छा सा हॉस्टल है आपको बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे रहने खाने पीने में जी। अब आते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर मेरे दोस्त, 10,38,000 रुपीज पर ईयर आपको
ट्यूशन फीस है, 3 लाख रुपया पर ईयर यहाँ पे हॉस्टल एंड मेस का है, और एमिनिटीज होता है जैसे वाईफाई यूज कर रहे हो, लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, उसके लिए भी 1.5 लाख रुपये पर ईयर चार्ज करते हैं, और 50,000 रुपया वन टाइम एडमिशन चार्ज है, और 2 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी है। जी ये सब आपके सामने दिख रहा होगा, इसका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर जाएगा 23 में हम आगे बात कर लेंगे इन फीस के लिए। तो आप देख रहे हो लगभग मान के चलते हैं 10 × 3 = 13, 13 × 14 = 15, 15 × 2 = 17, लगभग में 17.5 लाख रुपया आपको फर्स्ट ईयर में पे करना होता है यहाँ पे, लगभग 17.5 लाख रुपया, ठीक है, दिमाग में रखना है 17.5 लाख रुपया, 17.5 लाख। अब आते हैं एनआरआई कोटा, जिन बच्चों का एनआरआई बच्चे होंगे या उनका स्कोर कम होगा तो इस बेस से वो एडमिशन ले सकते हैं एनआरआई कोटा से, जिसका फीस होगा $25,000, मतलब लगभग में 20 लाख रुपीज पर ईयर। जी आप यहां देख सकते हो कि आपकी फीस हो गए डबल, है ना, और 3 लाख का हॉस्टल देना पड़ेगा 1.5, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो ये बच्चा दे रहा है वो यही बच्चा दे रहा है, बस आपको स्टूडेंट एमिनिटीज भी आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो ये पूरा एनआरआई का हो गया, अगर बच्चे का स्कोर कम है तो वो एडमिशन इसके थ्रू ट्राई कर सकते हैं। देखो मेरे दोस्त, हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड 2023 का, 400 हमने मेंशन किया हुआ है 400, जी क्योंकि 2023 में आप ये समझ के चलो कि कट ऑफ ऐसे इंक्रीज करने जा रहा है, बिकॉज पहला बात ये है कि लोग ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं इस साल, तो ये जो क्वालिफाई करते हैं वो चाहते हैं कि हमको सीट मिल जाए, तो अगर हम 22 में थोड़े से डाउन कट ऑफ हो गए थे तो अब एटलीस्ट ये मान के चलो कि 400, चाहे आप 390 हो जाए, 410 हो जाए, इसमें आप सेफ हो, है ना, समझ रहे हो, इतना हुआ तो आप टेंशन मत लो, इस कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा, अगर इससे कम हो तो आप एनआरआई कोटा पे ट्राई कर सकते हो, और आपको फीस देना पड़ेगा डबल, है ना। आप हमारे दिए गए नंबर एक्सपर्ट पे बात करें, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे क्या एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। सही सुन रहे हो, अगर हम लोग काउंसलिंग प्रोसीजर की बात कर ले तो शॉर्ट में समझ लो कि बिहार का बीसीसी का काउंसलिंग आपको करना होगा, और काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना होगा। सबसे पहले राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, उसके बाद डायरेक्ट मॉप अप होता है। मॉप अप क्या होता है, बिहार में ऑफलाइन होता है, आपको यहाँ पे जो एयरपोर्ट के पास जगह है आईएएस भवन, वहां पे जाके आपको रिपोर्टिंग करने होते हैं, अगर सीट बचा तो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, वरना नहीं होता है, बिहार में नहीं होता है, क्योंकि सारा सीट मॉप अप में ही खत्म हो जाता है, बिहार में इतना डिमांड है मेरे दोस्त, सही सुन रहे हो। और डॉक्यूमेंट ये सब रेडी करके रखना है, आपको कोई दिक्कत हो डॉक्यूमेंट रिलेटेड तो आप हमारे से बात कर सकते हैं। ये रहा पूल डिटेल नारायण मेडिकल कॉलेज के बारे में मेरे दोस्त, और कैंपस में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज यहाँ पे है, और मैंने बताया ये रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, अगर कोई डाउट हो एडमिशन रिलेटेड बात करना है तो दिए गए नंबर पे बात करें, आप हमारे से 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, और कोई भी डाउट रहा तो कमेंट में भी बता के पूछ सकते हैं। होप से वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मिलता है अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।